केंद्रीय चुनाव आयोग आज नई दिल्ली में करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट परसेंटेज के साथ काउंटिंग से जुड़ी जानकारी दे सकता है चुनाव आयोग। एग्जिट पोल में तीसरी बार सरकार बनने के अटकलों के बीच एक्शन में पीएम मोदी। रविवार को 100 दिनों के एजेंडे, हीट वेव और साइक्लोन सहित कई मुद्दों पर की हाई लेवल समीक्षा बैठक। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी। विधानसभा की 7 में से 46 सीटों पर दर्ज की जीत। एनपीपी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी शुरू। 4 जून को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नई सरकार के गठन का तय होगा कार्यक्रम। पेमा खांडू के फिर सीएम बनने की संभावना। सिक्किम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की रिकॉर्ड तोड़ जीत। 32 में से 31 सीटों पर कब्जा। 1 सीट एसटीएफ को मिली। बीजेपी कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी। एग्जिट पोल से बड़ी सियासी हलचल के बीच पंजाब में आप विधायक शीतल का यूटर्न। आम आदमी पार्टी विधायक ने वापस लिया इस्तीफा। 27 मार्च को बीजेपी में हुए थे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष ने तलब किया था आज। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से 36 घंटे ठप रहेगी पानी की सप्लाई। 4 जून रात 9 बजे तक वाटर सप्लाई बंद होने से 5 लाख लोग होंगे प्रभावित। पाइपलाइन की मरम्मत की वजह से सप्लाई रहेगी बंद। आज आसमान में अद्भुत नजारा दिखाई देगा। सौर मंडल के 6 ग्रह एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। यह अनोखा नजारा धरती से खुली आंखों से देखा जा सकेगा। ये खगोलीय घटना तब होती है जब सारे ग्रह सूर्य के एक ओर जमा हो जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत की किस दिन की म्याद खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर किया। तिहाड़ में सरेंडर से पहले केजरीवाल राजघाट पहुंचे जहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन भी किए। केजरीवाल एग्जिट पोल को फर्जी बता रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश को बचाने के लिए जा रहा हूं जेल। पार्टी कार्यकर्ता समर्थकों को संबोधित कर कहा कि अब जेल से कब बाहर आऊंगा कह नहीं सकता। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। ईवीएम में हेरफेर की जताई आशंका। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि असल मुद्दा यह है कि काउंटिंग के 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल क्यों जारी हुए हैं। देश में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने वोटर्स का धन्यवाद किया है और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए लिखा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। देश में अलग अलग एजेंसियों के एनालिसिस और पोल पर कांग्रेस का एक्शन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर खड़गे ने की बैठक। राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद। बैठक में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर साधा निशाना, कहा कि मोदी मीडिया पोल है। कांग्रेस नेता ने इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आने का किया दावा। राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295, हम 295 सीट जीतेंगे। एग्जिट पोल के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष में तकरार। इंडिया गठबंधन ने किया जीत का दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जनता के सर्वे में हमें मिल रही है 295+ सीटें। कांग्रेस नेता ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, कहा कि 2004 में एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे जबकि नतीजे बिल्कुल उसके उलट आए थे। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2023 के चुनाव जो आंकड़े एग्जिट पोल में आए थे उसके विपरीत परिणाम आए। हमने जमीनी तौर पर अवलोकन करके 295 सीटों का आंकड़ा दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वेणुगोपाल ने केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी, कहा कि टीवी स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने वाले भी दबी जुबान में बीजेपी की होने वाली हार को कबूल कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देश में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। उधर यूपीटी नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल को कॉरपोरेट का खेल बताया, कहा कि हमारे पास अकूत पैसा होता तो आंकड़े हम भी मन मुताबिक जारी करवा देते। राउत ने महाराष्ट्र में एमवीए की 35 सीटें जीतने का दावा किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल की हसीन सपनों जैसी हो गई है। गठबंधन नहीं एक ठगबंधन है जो देश को ठगने के लिए एक साथ हुआ है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, कहा कि जिस देश का राजा ज्योतिष और तानाशाह होता है वहां एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। टिकैत ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली पहुंचे। नीतीश अगले 4 जून तक दिल्ली में रहेंगे। एनडीए की होने वाली अहम बैठकों में शिरकत करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन से मिले। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए, पोस्टल बैलेट निर्णायक साबित होते हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर शेयर बाजार में हलचल। आज शेयर बाजार के उछाल के साथ खुलने के आसार हैं। 2019 में एग्जिट पोल आने के दूसरे दिन सेंसेक्स 1400 अंक चढ़कर खुला था। एमपी के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों जख्मी है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार बारात राजस्थान के मोतीपुरा से राजगढ़ के कुलामपुरा आ रही थी। यूपी के मेरठ में बीच सड़क चलती कार में आग लग गई। एक बच्ची सहित 4 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जानी थाना क्षेत्र के नहर पुल के पास ये हादसा हुआ। मृतक घूमने किसी हिल स्टेशन जा रहे थे। यूपी के कौशाम्बी में बेलगाम मिनी ट्रक की चपेट में आकर 6 लोग जख्मी हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में एक बार फिर फूटा महिलाओं का गुस्सा। मारपीट के आरोप में 2 स्थानीय युवकों की गिरफ्तारी पर फूटा गुस्सा। प्रदर्शनकारी महिलाओं की जवानों से हुई नोकझोंक। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या के मामले में मोहम्मद अली खान उर्फ मनोज कुमार गुप्ता उम्र कैद की सजा काट रहा था। महाराष्ट्र कोल्हापुर के कोलंबा जेल में बंद 5 कैदियों ने की हत्या। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में हुआ शामिल। अमेरिका को ओहियो में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग, अंधाधुंध गोलीबारी में 27 लोग जख्मी, 1 की मौत की खबर। हमलावर की सरगर्मी तलाश। उत्तर कोरिया जल्द ही जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। किम जोंग के इस कदम से अमेरिका की बढ़ सकती है चिंता। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी का फिलीपींस ने दिया मुंहतोड़ जवाब। विवादित क्षेत्र में चीनी जहाज घुसने पर फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने तानी बंदूक। चीनी सरकारी मीडिया ने किया दावा। मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट पर आने वाले पर्यटकों की एंट्री पर लगाई रोक। राष्ट्रपति मोइज़ू के आदेश पर अतिरिक्त सुरक्षा मंत्री अली हसान ने किया ऐलान। गाजा और रफा में इजरायली हमले के खिलाफ लिया फैसला। गाजा में युद्ध विराम की अटकलों के बीच 2 इजरायली मंत्री ने राष्ट्रपति नेतन्याहू को किया आगाह। कहा कि हमास के खात्मे के बगैर सीज फायर होने का विरोध। मंत्री पद से इस्तीफा सहित नेतन्याहू सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी। न्यूयॉर्क और लंदन सहित दुनिया के कई देशों में रविवार को सालाना इजरायली मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोगों ने हमास के चुंगल में फंसे बंदकों की रिहाई की उठाई मांग। रविवार को इजरायली सेना को लगा बड़ा झटका। लेबनान के हिजबुल आतंकियों ने इजरायल की सबसे उन्नत हरमस 900 ड्रोन को मार गिराया है। हिजबुल्ला ने ड्रोन को मार गिराए जाने का वीडियो भी शेयर किया। आइसलैंड को नई राष्ट्रपति मिल गई है। देश की जानी मानी उद्योगपति हल्ला बनेगी देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। अमेरिका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हराया है। पापुआ गिनी ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 136 रन। जवाब में वेस्टइंडीज ने 5 विकेट खोकर हासिल की जीत। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी तलाक की अटकलों के बीच कहा कि खेल हो या जिंदगी, खराब समय में भी लड़ाई छोड़ने पर परिणाम आपके मुताबिक नहीं आते। वार्म अप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक ने 23 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया का हेड कोच बनने की अटकलों पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी। एक इंटरव्यू में कहा कि टीम इंडिया का हेड कोच बनना गौरव की बात है। T20 वर्ल्ड कप के बाद मौजूद कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है।